एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई नो आपका लेट लवी बंदा वापस से आ चुका है एक नया वीडियो लेके। सो आज हम डा विंची रिजॉल्व के इस नए वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर जो हमें मिलता है लट्स। कि मैंने देखा है कि काफियों को लट्स को यूज करने में प्रॉब्लम आई है एंड कैसे उन्हें अप्लाई करें और यूज किया जाए वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, चलो कूद पड़ो डा विंची रिजॉल्व में। ऑलरेडी काफी टाइम ले चुके हैं हम। ओके तो फिर से हम एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये है डा विंची रिजॉल्व 70। सो मैंने यहाँ पे एक क्लिप सेलेक्ट करी है। ये एक्चुअली में रेड कैमरा की क्लिप है, मॉडल मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। सो हम चलते हैं कलर टैब में। इसमें हम एक बेस्ट फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। आई थिंक मे बी दिस इज़ गुड, कुछ ज़्यादा खुश है। चलो ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमको लट्स कैसे यूज़ करना है इसमें, वो हम आज जाने। तो सबसे पहले हम चलते हैं लट्स वाले टाइप में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के लट्स दे रखे हैं। अब ये कुछ कन्वर्जन लट्स हैं जो कैमराज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, जिनको नेचुरल फॉर्म में लाने के लिए भी होता है इमेज में। जैसे कि रेड कैमरा का रेड लॉक 3G10 वाला लट, बट आज हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे फिल्म लुक पे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्म लुक वाले लट्स दे रखे हैं, ठीक है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि अभी मेरा कोल्ड हुआ था, सो रिसेंटली थोड़ा ऐसे ही चोक हो रखा है। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। तो आगे हम चलते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फिल्म लुक दे रखे हैं। सो हम कुछ सिलेक्ट करते हैं इसमें से अच्छा सा। आई थिंक मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, थोड़ा वार्म लुक। चलो ये वाला ही अपन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब सबसे पहली चीज देख रहे हो, जैसा कि आप अरे भैया क्या है ये, तो रुको जरा सबर करो। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, ध्यान रखना। आपने अगर नोटिस किया हो तो प्रीमियर प्रो में एक क्रिएटिव टैब पैनल होता है और एक शायद उससे पहले, अब मेरे को तो याद भी नहीं है, बट इसमें दो पैनल होते हैं लुमेत्री के अंदर, जिसमें आपको लट्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जहाँ तक अगर आपको पता हो तो आप सेकेंड वाले में करते हो। सेम चीज़ एक तरीके से रूल वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ये वाला सेकेंड नोड रखा है। अब इससे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे। अब मैं दोनों फर्स्ट और लास्ट नोड इसको मैं रखता हूँ सेंटर में, और इस नोड को मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो इमेज काफ़ी कॉन्ट्रास्टी एंड जैसा कि पता नहीं क्या और हो गया है इसके साथ, वो आप समझ रहे हो, अच्छी नहीं लग रही है नॉर्मल भाषा में बोले तो। क्या बात है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे वेवफॉर्म पे। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी क्रशिंग हो रही है यहाँ पे, शेडोज़ वगैरह सब ख़त्म, नील बटा सन्नाटा हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें हम रिकवर कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैं लट्स के बाद इस नोड में अगर इन शेडोज़ वगैरह को रिकवर करूँगा, तो आप देख सकते हो वेवफॉर्म के अंदर अच्छे से रिकवर नहीं हो रही है शेडोज़ हाइलाइट्स वगैरह, देख रहे हो। बट अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ और यही चीज़ मैं सेम यहाँ करूँ, तो आप खुद देखना, इसको मैं यहाँ पे डाउन करूँ, मैं मिड टोन्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अब आप खुद देखना वेवफॉर्म कैसे स्ट्रेच हो रही है। देखो मैं हाइलाइट्स को डाउन लाता हूँ, मिड टोन्स को इंक्रीज़ करता हूँ, हाइलाइट्स और डाउन लाता हूँ, मिड टोन्स को इंक्रीज़ करता हूँ। अब आप देखो बिफोर एंड आफ्टर कितनी हद तक अपनी डिटेल्स रिकवर हो रही है। और मैं शेडोज़ को भी इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लिपिंग हो रही है शेडोज़ में, तो उन्हें भी अपन रिकवर करेंगे। एंड एक स्वीट स्पॉट हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखो बिफोर एंड आफ्टर, देखा है ना मस्त चीज़। और यही चीज़ अगर मैं इसको बंद कर दूँ एंड इस वाले में अगर मैं इसको रिकवर करता हूँ, तो आप खुद देखो मैं मिड टोन्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, शेडोज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अरे दादा कहाँ जा रहे हो दादा, अरे भाई नहीं कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकते। तो ये रूल एक तरीके से प्रीमियर प्रो में भी अप्लाई होता है एंड डा विंची रिजॉल्व में भी अप्लाई होता है, खाली इन चीज़ों की है, बाकी और अदर एडवांस चीज़ें नहीं अप्लाई होती हैं यहाँ पे। तो वो आप जानते हो, आप स्मार्ट हो, डा विंची रिजॉल्व में हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको ऑफ़ करता हूँ एंड मैं इसको ऑन करता हूँ, आप वेवफॉर्म को नोटिस करना, ठीक है।
इसे ऑफ किया, इसे ऑन किया, देख रहे हो? अब आप देख पा रहे हो फेड हो रही है शेडोज, रिकवर नहीं हो रही है, और यही चीज़ यहाँ पे रिकवर हो रही है आपकी शेडोज, ठीक है? तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो हम इसे मारते हैं रीसेट। अब सबसे पहले चीज़, और क्या हम क्या कर सकते हैं इसके, हम थोड़ा इसको स्किन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं थोड़ा और ग्लोवी लुक देने के लिए, हम यहीं थोड़ी रुकेंगे, ठीक है? तो मैं इससे पहले एक और नोड क्रिएट करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ साइड में, एक मैं यहाँ से करेक्टर नोड क्रिएट करता हूँ। मैं सीधा सोर्स से लूँगा, जैसा कि हमेशा से पता था कि हमें सोर्स से लेना है ताकि अच्छे से क्वालिफाई हो इमेज। तो हम इसको स्किन को पिक करते हैं, ठीक है? इसको मैं करता हूँ रीसेट, एंड यहाँ से हम क्वालिफाई करते हैं स्किन को। ओ माय, कितना अच्छा से क्वालिफाई हो चुका है ना स्किन। तो हम इसके हाई को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये थोड़ा, ये जो चीज़ें आ रही है इनको अपन हटाते हैं, इसको हम कर देते हैं सॉफ्ट, इसको यहाँ से सॉफ्ट करते हैं, एंड बस हमें स्किन का पार्ट चाहिए। एंड लूमिनेंस थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, एंड इसको भी सॉफ्ट कर देंगे, सॉफ्ट इन इट अप बिल्कुल, एंड डी नॉइस को हम इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हम पैरेलल नोड क्रिएट करेंगे एक, ठीक है? एंड इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे नोड को, ठीक है? एंड ये हमारी स्किन सिलेक्शन में आ चुकी है, तो थोड़ा सा हम इसके साथ खेलते हैं, एंड थोड़ी सी इसको हल्की ब्राइटन तो काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी इसको कॉन्ट्रास्ट ही करते हैं हम, एंड मिड टोन डिटेल्स थोड़ी सी हम इसकी कम करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा इसको गैमा को इस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा हम ऑरेंज की तरफ पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं, ओनली लिटल बिट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। देखो, देख पा रहे हो, हल्का सा पुश किया हमने, ज़्यादा पुश नहीं किया है। तो ये आप ध्यान रखिए, कभी कभी कम चीज़ें पुश करना भी बेटर होता है। एंड नेक्स्ट हम अदर थिंग्स लेते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है जैसे कि शेडोज प्रॉपरली ब्लैक नहीं है, तो हम इनका भी कुछ करते हैं। एक करेक्टर नोड लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमें शेडोज चाहिए, तो मैं सीधा लुमिनेंस में जाऊँगा, हाइलाइट्स को कम करूँगा, ठीक है? सॉफ्टन इट अप करूँगा, थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा, एंड डी नॉइस थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, और इसको यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है? अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम परेड खोलें, थोड़ी सी बैलेंस करेंगे हम शेडोज को, ये देखो हल्की सी बैलेंस करेंगे, ज़्यादा नहीं। लिफ्ट पे गया मैं, एंड इसको रेड की तरफ पुश किया, आपको माइनर सा फ़र्क लगेगा, पता नहीं चलेगा इसमें अगर मैं जूम करूँ तो। देखो हल्का सा, आप देखो रेड आ रहा है, लिया मैंने इसमें थोड़ा इसको, ठीक है, हल्की सी, बस माइनर सा मैंने इसको पुश किया। और हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम ये चीज़ें यहीं छोड़ते हैं इनको, ठीक है? जैसा कि आपने देखा, अगर मैं इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करूँ तो हमने क्या किया था, इनको डिसलेक्ट करो, देखो हल्का सा हमने स्किन को पॉप किया है। अभी हम और भी चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ, हम यहीं थोड़ी रुकेंगे, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, इस वाले नोड पे आते हैं हम, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलो हम इसमें फिल करते हैं ग्लो। तो मैं ग्लो सिलेक्ट करूँगा, एंड इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ऐड में हम जाके इसमें इसको स्क्रीन करते हैं, एंड अब थ्रेशोल्ड को हम छेड़ेंगे हल्का सा ग्लोई लुक देने के लिए, एंड इसको हम स्प्रेड में इसको थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइटर लग रहा है, तो मैं इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा। देखो एक माइनर सा डिफरेंस कितना अच्छा लुक दे देता है, खुद देखो आप, ठीक है? तो हम इसको वापस से करते हैं रीसेट, एंड अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे विनियत, काफ़ी तरीके हैं विनियत ऐड करने के, तो आप देख लेना, बाकी मैं मेरा तरीका बताता हूँ, मैंने हर जगह अलग अलग ट्राई किए हैं, आप इसमें से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो विनियट, बट हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम हमारी खुद की विनियट डालेंगे। तो हम एक अपनी पावर विंडो सिलेक्ट करेंगे, लेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट को पहले हम देख लेते हैं ट्रैकिंग में है एक नहीं है, थोड़ा सा नहीं है, मैं अभी ट्रैकिंग नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पीसी पे लोड पड़ेगा, सो आप एक बार देख लेना ट्रैकिंग डाल के, मैं अभी ट्रैकिंग नहीं डालूंगा।
मैं अभी इसको ऐसे ही नॉर्मली सेंटर में कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे पीसी पे लोड पड़ जाएगा, अभी सिंगल पीसी है एंड मैं अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए आप ट्रैकिंग कर लेना, आपको पता है ट्रैकिंग कैसे करनी है, अगर नहीं पता है तो मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तो हमें यहाँ पे इसको सिलेक्शन में ले लिया है, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इनर पार्ट सिलेक्शन में है, तो हमें ये नहीं लेना, हमें इसको इन्वर्ट करना है, हमको आउटर पार्ट सिलेक्शन में चाहिए, ठीक है। अब हमें क्लिपिंग नहीं करनी है, ठीक है, वापस से हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कर्व्स में, मैं यहाँ से पार्ट सिलेक्ट करूँगा और इसको डाउन लाऊँगा, देखो देख पा रहे हो, बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ला रहा हूँ, जैसे कि आप देखो, एंड इसको मैं यहाँ पे इससे कनेक्ट करूँगा इस वाली को, और यहाँ पे जाके इस वाले टैब पे क्लिक करूँगा जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंड यहाँ पे इसको रिवर्स कर दूँगा। अब हम अपने सब्जेक्ट को पॉप करेंगे, ठीक है, इस वाले को सिलेक्शन में लिया हमने, सो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हल्का सा इंक्रीज करूँगा एंड और हल्का सा यहाँ से इसको पॉप करेंगे, और थोड़ा सा उसको शेडो कॉन्ट्रास्टी लुक रखने के लिए हम इसको थोड़ा सा डाउन लाएंगे शेडो को, देख पा रहे हो, देखो कितना डिफरेंस आ गया इससे, ये देखो, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे करूँ तो ये देखो, समझ रहे हो। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, बाकी तो देखो, मैंने एक्चुअली में मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको लट्स कैसे यूज़ करना चाहिए वो तरीका बताऊं, तो देखो लट्स का पैनल यहाँ पर है, ये मैं यहाँ पे इस पर लेबल डालता हूँ लट जो हमने यूज़ किया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको डिटेल्स वगैरह रिकवर करनी है वो आपको लट्स से पहले ही करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वेवफॉर्म में कि आपकी डिटेल्स रिकवर नहीं होगी, तो आप कितना भी कर लो, माथा पच्ची कर लो, माथा पीट लो, कुछ भी कर लो, तोड़ दो कंप्यूटर को, हो तोड़ना तो मत, काम करना है तुम्हारे को तो ओ भाई तो आपको तोड़ना कुछ नहीं है, लट से पहले यूज़ करना है, सेम रूल अप्लाई होता है प्रीमियर प्रो में भी और सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लट्स एक्चुअल में यूज़ कैसे किए जाते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि भाई लगाने के बाद ये क्या लुक आ रहा है, इतना कॉन्ट्रास्टी है ना, चलो उस चीज़ को भी हम हैंडल कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इनको डिसेबल कर रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब गया की आउटपुट देख रहे हो, इसकी गेंस को कम करूँगा, देखो लट्स की इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ, तो ये लट्स को थोड़ा सा अपने हमने अप्लाई किया है बस, लेकिन यार इसमें मज़ा नहीं है ना, हमें चाहिए पूरे प्रॉपर कलर्स, ठीक है, समझ रहे हो, हम रिकवर तो फिर भी कर सकते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें कुछ मज़ा नहीं है ना, तो इसको रीसेट मारो, ठीक है, और इनको वापस से एक्टिवेट करो, ये देखो, तो ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, देखो जैसा कि हम फुल स्क्रीन में देखें तो, ठीक है, ये है, अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई नो आपका लेट लतीफ बंदा हमेशा लेट वीडियोस लेके आता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिसलाइक भी दे सकते हो, एंड अपना फीडबैक देना ना भूले, एंड अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाओ, यार क्या सोच के बैठे हो भाई, ठोक दो उसको भी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ ना आजकल, आराम से बोलनी चाहिए, वापस से बोल के देखते हैं एक बार। तो अगर मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।